सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई टेक्निकल सन एडियो चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अपने जो फेसबुक अकाउंट है, ठीक है, उस फेसबुक अकाउंट के अंदर जो ब्लू टिक वाला आप लोग को एक निशान देखने को मिलता है, जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन शॉट के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उस ब्लू टिक को किस तरीके से अपने उस फेसबुक अकाउंट के अंदर इनेबल करना है, यानी ओपन करना है, ठीक है, तो उसका तरीका मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ एंड दिखाने वाला हूँ। ये जो ब्लू टिक वाला जो फीचर है वो काफ़ी सारे लोगों का जो बड़ा बड़ा फेसबुक पेज हो गया, उसके फेसबुक आईडी हो गया, ठीक है, तो उन लोगों का आईडी के अंदर आप लोग देखने मिलता है। और आप भी चाहते हैं कि आपका जो भी फेसबुक अकाउंट है या फिर फेसबुक अकाउंट के अंदर जो भी पेज है, जो पेज बना के रखा हो, ठीक है, तो वहाँ पर उस ब्लूटिक को इनेबल करना चाहते हैं तो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा, वीडियो को कहाँ पर भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को एक सेकंड भी स्किप कर देंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली आ चुका मैं मेरा मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर एंड मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर आने के बाद सबसे पहले आप लोगों का जो फेसबुक वाला जो ऐप है, ठीक है, उस फेसबुक तरफ से आने वाला जो ये बड़ा वाला ऐप है, उस ऐप को सबसे पहले ओपन कर लीजिए। और फेसबुक लाइट का जो ऐप है उस ऐप्स के अंदर आप लोग को ये काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए फेसबुक की कंपनी की तरफ से जो बड़ा वाला ऐप आता है, यहाँ पर देख सकते हैं, उस ऐप को सबसे पहले ओपन कर लीजिए। एंड ऐप को ओपन करने के बाद अभी आप लोग यहाँ पर राइट साइड के अंदर आप लोग को एक थ्री लाइन देखने के मिलता है, जो कि मैं आप लोग को मार्क करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आपको एक थ्री लाइन देखने को मिल रहा है, तो सिर्फ उस थ्री लाइन के ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए। उसके ऊपर जैसे ही एक बार क्लिक कर दोगे, उसके बाद आप लोग सबसे लास्ट के अंदर आना होगा। एंड सबसे लास्ट के अंदर आने के बाद अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हेल्प एंड सपोर्ट बोल के एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपली उस हेल्प एंड सपोर्ट वाला ऑप्शन को भी एक बार क्लिक कर दीजिए। अभी आप लोग यहाँ पर हेल्प सेंटर नाम पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उसके भी फिर से और एक बार क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे एक बार क्लिक कर दोगे, उस वक्त आप लोग के सामने इस तरह कुछ इंटरफेस अभी आप लोग देखने मिल जाएगा। अभी यहाँ पर देख सकते हो सर्च वाला एक ऑप्शन देखने के मिल रहा है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोग सब कुछ मार्क दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो हाय हाउ कैन वी हेल्प यू, इसका नीचे ठीक सात बार के अंदर आप लोग एक बार टैप करना होगा। अभी आप लोग यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिखना है सिर्फ वेरिफिकेशन और कुछ नहीं, ठीक है। एंड वेरिफिकेशन यहाँ पर लिखने के साथ साथ आप लोग यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा, क्योंकि मैं आप लोग दिखाया था। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट ए वेरीफाई बैच ऑन फेसबुक, इस वाला ऑप्शन के ऊपर एक बार आप लोगों को क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि द वेरीफाई बैच एंड उसका नीचे वेरीफाई योर प्रोफाइल और पेज वाला एक ऑप्शन देखने मिलेगा। ठीक उसका नीचे आप लोग एक ब्लू कलर का एक लाइन आप लोग देखने मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म टू वेरीफाई योर प्रोफाइल और पेज, जो कि मैं आप लोग को मार्क करके दिखा रहा हूँ। ठीक ये जो आप लोगों को एक लिखा देखने मिल रहा है, उसके ऊपर एक बार क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे एक बार क्लिक कर दोगे, उसके बाद आप लोग को इस तरह कुछ इंटरफेस अभी आप लोग देखने के मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आप लोगों को करना होगा, तो उसके अंदर आप लोगों को जो सबसे पहले जो आप लोग सिलेक्ट करना होगा, वो आपका फेसबुक अकाउंट का जो मेन अकाउंट है, उस मेन अकाउंट को यहाँ पर ब्लूटिक यहाँ पर इनेबल करना चाहते हैं, तो वो आप लोगों को यहाँ पर प्रोफाइल सिलेक्ट करना होगा। या फिर आपके अंदर कोई भी पेज है, आपका फेसबुक अकाउंट के अंदर कोई भी यहाँ पर दूसरा पेज बना के रखा हो, उस पेज को करना है, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग पेज को सिलेक्ट करना होगा। तो टेक्निकल सन नाम पर मैंने ऑलरेडी एक पेज बना के रखा हूँ, मेरे उस फेसबुक आईडी के साथ लिंक करके रखा हूँ, तो इसलिए मैं यह पेज सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपका हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्ट पेज वाला एक ऑप्शन आ चुका है, उस एरे के ऊपर एक बार क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मेरा जो ओरिजिनल पेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो उस पेज को मैं यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिंपली उस पेज को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट टाइप, अभी आप लोग को यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप एंड यहाँ पर चूज फाइल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है, उस एरो वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, जो कि आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद पासपोर्ट, उसके बाद नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, उसके बाद टैक्स फिलिंग, रिसेंट यूटिलिटी बिल, आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो मैं यहाँ पर नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो वोटर कार्ड हो गया, उसको जो आधार कार्ड हो गया, वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऐड डॉक्यूमेंट एंड चूज फाइल्स, ठीक है। उसके नीचे आप लोग एक कैटेगरी बोल के एक ऑप्शन देखने मिल रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके आपका पेज या फिर फेसबुक आईडी जो भी है जिस कैटेगरी के अंदर आता है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे यहाँ पर पहले जो यहाँ पर है न्यूज़ और मीडिया, ठीक है, तो वही सिलेक्ट यहाँ पर रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो मेरा यहाँ पर मैं यहाँ पर आधार कार्ड को यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ। अब सिंपली जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स डालना चाहते हैं उसको सबसे पहले अपलोड कर लीजिए। एंड अपलोड करने के बाद सबसे लास्ट के अंदर आप लोग को एक सेंड बोल के एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो उससे पहले आप लोग के यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल रहा है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कंट्री, रीजन, उसके बाद ऑडियंस, ठीक है। ये आपका जो कंट्री है वो आपको यहाँ पर जरूर देना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पर इंडिया है,
तो ये सबसे पहले आप लोग इसको फिल कर दीजिए, ठीक है। और जितने सारे ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑप्शनल है, ये आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते कोई फर्क नहीं है, ठीक है। एंड सबसे लास्ट के अंदर कोई भी एक सोशल मीडिया का जो आपका वीडियोस वगैरह हो गया उसका अकाउंट का या फिर पेज का जो भी यहाँ पर जो लिंक है वो देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, और नहीं भी देते कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते सबसे लास्ट के अंदर एक सेंड बोल के ऑप्शन देखने मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपली सेंड वाला ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को सबसे लास्ट के ऊपर सबसे लास्ट के अंदर एक बार क्लिक करना होगा। ओके, सेंड वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाएगा। उस आप लोगों को कुछ ही घंटे के अंदर या फिर कुछ ही दिन के अंदर आपका रिप्लाई आ जाएगा, आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी है, ठीक है। दोस्तों अभी फाइनली एक ईमेल भी आ चुका है, जो कि इस ईमेल को मैं ओपन करके मैं आप लोगों के सामने लाइव दिखा देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर ईमेल ओपन हो चुका है, एंड ईमेल ओपन होने के बाद अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई योर पेज और प्रोफाइल है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं, हाई सानू, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑन फेसबुक, योर टीम केयरफुली रिव्यू योर अकाउंट एंड डिटरमाइंड दैट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन एट दिस टाइम। ये बताने के लिए चाह रहा है कि अगर आपका उनका जो भी सिस्टम है, जो भी एलिजिबिलिटी है, तो वहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपका जो भी फेसबुक पेज हो गया, उसका फेसबुक प्रोफाइल हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो 100% गारंटी आपका ये जो प्रोफाइल या पेज है वो वेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी आपका जो ब्लू टिक का जो निशान है वो यहाँ पर इनेबल कर दिया जाएगा, वो भी यहाँ पर लास्ट 30 डेज के अंदर आप लोग को बता दिया जाएगा इस ईमेल आईडी के माध्यम से। ओके, आई होप आप लोगों को सब समझ में आ चुका होगा। कोई भी सवाल उससे जाते जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो फटाफट नीचे सब्सक्राइब का बटन के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा तो इस वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगा। सुपर, चले आज के दिन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।